इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। गुमशुदा इंसान की तलाश करने निकली पुलिस ने एक बड़ी चोरी की वारदात में सफलता हासिल की है। कामठी ज्वेलर से 7 लाख रुपए के जेवर चुराने वाले सेल्समैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले प्रजाक्ता डोंगरे ने अपने पति प्रदीप डोंगरे की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसी को लेकर पुलिस ने कामठी ज्वेलर्स में पूछताछ की, लेकिन जब वहां सेल्समैन 10 दिनों तक नहीं पहुंचा, तब पुलिस ने ज्वेलर संचालक को अपने रिकॉर्ड मिलाने के लिए कहा। दुकान से लगभग 97.00 ग्राम सोना कम पाया गया। दुकान संचालक की रिपोर्ट के आधार पर जांच करते हुए दुकान संचालक को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने दुकान से जेवरात को चोरी करना कबूल किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मैंने दुकान से धीरे धीरे जेवरात चुराए और गोल्ड लोन बैंक में गिरवी रख वहां से पैसे ले लिए और पैसे ऑनलाइन गेम में हार गया। पुलिस ने चोरी किए सभी जेवरात को बरामद कर आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। डोंगरे जी है ये, यहाँ कामठी ज्वेलर में सेल्स का काम करते हैं। जिस पर ज्वेलर्स में ये जानकारी लेके पूछा गया तो उनके द्वारा अपना स्टॉक चेक करके बताया कि करीब ये 97 ग्राम सोना के जो जेवर है वो स्टॉक से गायब है, जिस पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जो डोंगरे इनको तलाश की गई थी और तलाश करने पर पुलिस द्वारा पार्टी लगा के पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो इनके द्वारा चोरी करने की वारदात करना स्वीकार किया है। उक्त जो जेवर है आरोपी द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के लालच में, जो इसने ऑनलाइन गेम में खेलने के लिए 2 लोन लिए थे और उसमें जो लोन की गोल्ड लोन कंपनी है उनमें जमा कर दिए थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सांसद विवेक बंटी साहू ने मंगलवार को फव्वारा चौक स्थित गांधी प्रतिमा का दूध से अभिषेक कराकर स्मारक के आसपास स्वच्छता अभियान चलाने पर सफाई दी। साथ ही इस दौरान सांसद श्री साहू ने शहर के फव्वारा चौक स्थित मुख्य बाजार में भ्रमण कर स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने वाले व्यापारियों सहित आम जन से बात की और स्वच्छता अभियान चलाया। सड़कों की साफ सफाई कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करते हुए स्वच्छता की अलग जगाई और व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठानों में डस्टबिन रखने की अपील की। जिले में गौवंश तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह फिर से बैतूल मार्ग ग्राम खेरबाड़ा से समीप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश से भरा एक कंटेनर पकड़ा। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कंटेनर खोला तो उसमें 40 गौवंश पाए गए, जिनमें से 12 की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल कंटेनर को जब्त कर लिया और वाहन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार किया। प्रति सप्ताह मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 188 आवेदकों की समस्याएं सुनी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अनुकंपा नियुक्ति, भूमि सीमांकन अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि, विद्युत आपूर्ति, विद्युत पोल लगाने और आर्थिक सहायता से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल और त्वरित समाधान के निर्देश दिए ताकि आवेदकों को शीघ्र राहत मिल सके। जनसुनवाई में कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के तहत 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित कार्यक्रमों के प्रथम दिन CCF मधुवी राज के नेतृत्व में सह अस्तित्व के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण थीम पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली खजरी चौराहे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और वन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय नागरिकों को वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया, साथ ही वनों में आग न लगाने के महत्व को भी समझाया। इस अवसर पर पूर्व वन मंडल DFO विजेंद्र श्रीवास्तव, दक्षिण वन मंडल DFO LK वासलिक, SDO अनादि बुधौलिया सहित वन विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। रैली का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व को समझाना और सह अस्तित्व के संदेश को फैलाना था। कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मैदान पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्वाधान में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग 500 वरिष्ठ जन उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद विवेक बंटी साहू द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा जिले के वरिष्ठ नागरिकगण एवं वृद्धजनों को शॉल श्रीफल पुष्पमाला से सम्मानित किया गया, साथ ही दिव्यांगों को सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया गया।
नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे के अवसर पर 1 अक्टूबर को जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक और केरियन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर खत्री रोड स्थित कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें विद्यार्थियों और समाज के प्रबुद्ध जनों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इस अवसर पर पैथोलॉजिस्ट रंजना टांडेकर ने रक्तदान के महत्व पर जागरूकता संदेश दिया और उपस्थित लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। आज हमारे कैजुआन के 10 बच्चे लोगों ने आज जो है वैक्सीनेशन करा। एक वैक्सीनेशन दोस्तों एक महान कार है, और जो बच्चे लोगों ने सपोर्ट करा कैजुआन मात्रा से रंजना टांडेकर मैडम, डॉक्टर पटेल सर और डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम और शीतल मैडम और जितनी भी है, इन लोगों के मार्गदर्शन पर एक पूरा का पूरा सहयोग करा गया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुश शुक्ला ने बताया कि भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के दूसरे चरण में अधिक से अधिक सदस्यों को पार्टी से जोड़ने हेतु भाजपा नगर मंडल की 2 दिवसीय कामकाजी बैठक जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलने वाले प्राथमिक सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में भाजपा नगर मंडल के समस्त वार्डो के संगठनात्मक बूथों में भाजपा पदाधिकारी पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक सदस्य बनाए एवं समाज के सभी वर्गों को भाजपा से जोड़ने का कार्य करें। मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला ने बताया कि जिन बूथों में अब तक पन्ना प्रमुख प्राथमिक सदस्य नहीं बने हैं, उन बूथों में विशेष ध्यान देकर पार्टी पदाधिकारी प्राथमिक सदस्य बनाएंगे। साथ ही महिला मोर्चा को आगामी आने वाले त्योहारों में घर घर पहुंचकर एवं दुर्गा पंडालों में जाकर अधिक से अधिक संख्या में बहनों को भाजपा की सदस्यता दिलाने हेतु कार्य योजना बनाई गई। छिंदवाड़ा में इतिहास जरूर रचा। आज हमारी सदस्यता जो है 2,94,000 हो गई है, और अभी हमारा सदस्य अभियान चल रहा है, सेकंड चरण शुरू होने वाला है 1 तारीख से 15 तारीख तक, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और लक्ष्य है हमारा 5 लाख का। हम 5 लाख पे जरूर पहुंचेंगे। आपके भरोसे, आपके बल बूते पर ये पार्टी को सदस्य अभियान की मिला है, और इसके लिए थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया पुराना लक्ष्य, उसको आप पूरा कर दें। चौरे ने बहुत अच्छा काम किया, चौरे सबसे पीछे था, लेकिन चौरे आगे बढ़ के आज लगभग 54,000